ओम शांति। आज की तारीख है 24/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बनकर घर जाना है, फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। प्रश्न है, घरबार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? उत्तर है, घरबार संभालते पुरानी दुनिया में रहते सबसे ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, ये है बच्चों की कमाल। फिर बोलो सभी, जैसे बाबा ने कहा ऐसी कमाल कर रहे हो ना? अच्छा, आगे सुनिए, इसे ही सतो प्रधान सन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई नहीं कर सकता। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ये परम पिता परमात्मा को बच्चे और भक्त दोनों ही कहते हैं कि आप ही हमारे आत्मा के सब कुछ हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। यहाँ चित्र शब्द से बाबा का कहने का मतलब है किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। नंबर 2, वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा शिव का कि बाप के राइट हैंड बन हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते कि हाँ बाबा हम तैयार हैं, बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कह मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई और सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।